भाई कुछ ऐसी सेटिंग्स लेकर आया हूँ आईफोन की जो भाई आप कर लेते हो तो भाई 1 ईयर में भी आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो भाई मेंटेन ही रहेगी, चाहे भाई आपके पास आईफोन है या सैमसंग का या कोई सा भी एंड्रॉइड फोन है। ये 10 चीजें अवॉइड कर दोगे तो भाई आपकी जो बैटरी लाइफ है भाई वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है भाई सच में। बस भाई वीडियो को पूरी देखना और भाई चैनल में नए हो तो भाई आपको पता लाइक और सब्सक्राइब कर ही देना। चलिए भाई बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल छेत्री और आप देख रहे हो टेक यूट्यूब चैनल। भाई आज से कुछ साल पहले मैंने जब ये सेटिंग्स अपने आईफोन में करी तो भाई 1 ईयर हो चुके हैं और भाई मेरी बैटरी हेल्थ अभी भी 99% पर स्टिल अभी भी है। मतलब आपने अगर इन चीजों को अवॉइड कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब कि अपने आईफोन को जब आप चार्ज करते हो कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो भाई कसम से कह रहा हूँ भाई बैटरी हेल्थ बच सकती है काफी ज्यादा और भाई बार बार आपको इसको रिप्लेस कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आईफोन की बैटरी को। और भाई किसी भी फोन की दुकान में भी आपको भाई भागना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी बैटरी हेल्थ इतनी गिर गई, ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई बस ये कुछ सेटिंग्स कर लो बस। भाई नंबर 1 सेटिंग की अगर मैं बात करूं तो अपने आईफोन किसी भी भाई स्मार्टफोन को भाई रात में ओवरनाइट चार्ज के लिए मत छोड़ना, नहीं तो भाई उससे क्या होगा भाई वो चार्ज होता रहेगा और भाई आपकी जो बैटरी है उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। भाई नंबर 2 जो है वो है नेवर चार्ज योर स्मार्टफोन 0 to 100, क्योंकि भाई जब भी आप 0 to 100 करते हो आईफोन में क्या होता है आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि भाई आपको तो पता ही होगा 500 साइकिल में आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 8 to 10 या 15% ड्रॉप होती है। ये भाई एप्पल ने खुद ही कहा था, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप देख भी सकते हो। भाई इसलिए कहता हूँ 25% पर जब आपकी बैटरी हो तो वहां से चार्ज लगाओ और भाई 80 तक रोक दो ताकि भाई आप जो अपने साइकिल्स हैं उसको बचा सकते हो। नंबर 3, अवॉइड ओवरहीटिंग। भाई जब भी आपका स्मार्टफोन भाई ओवरहीट हो रहा हो तो भाई उस टाइम पे उसको चलाओ मत और भाई उसको चार्ज पर भी मत लगाओ। इससे भाई बैटरी जो है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, क्योंकि भाई जितना गर्म होगा उतना केमिकल रिएक्शन होगा और भाई आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रॉप होने लगेगी धीरे धीरे करते करते, समझ गए। नंबर 4, भाई नेवर यूज योर आईफोन एंड स्मार्टफोन वाइल चार्जिंग, क्योंकि भाई जब भी आप चार्ज पर लगाकर अपना स्मार्टफोन को या आईफोन को चलाते हो तो भाई उस टाइम पे क्या होता है बहुत ज्यादा हीट होने लगता आपका स्मार्टफोन, आपने देखा भी होगा, नोट भी करी होगी काफी ज्यादा बार, है ना। क्या होता है क्योंकि भाई पावर चार्जर जो होता है वो काफी जल्दी से आपका जो बैटरी है उसको भाई फुल करता रहता है, लेकिन भाई आप इधर से यूज करते रहते हो तो भाई वो ड्रॉप भी होती है बैटरी हेल्थ धीरे धीरे करते, जिससे भाई नेगेटिव इफेक्ट जो है वो आपकी बैटरी पर सीधा पड़ता है। नंबर 5, नेवर यूज योर आईफोन डायरेक्ट टू सनलाइट। भाई डायरेक्ट सनलाइट की हीट पर भाई अपने आईफोन या सैमसंग के फोन को कभी भी भाई यूज मत करना, जिससे क्या होगा जितनी सनलाइट आपके स्मार्टफोन पर पड़ेगी उतना ही भाई आपकी से बैटरी भी ड्रेन होगी और भाई काफी जल्दी से आप बैटरी हेल्थ भी गिरेगी। तो भाई कभी भी डायरेक्ट सनलाइट की हीट पर यूज मत करना अपने आईफोन या सैमसंग स्मार्टफोन को, कोई से भी फोन को। नंबर 6, ऑलवेज अपडेट योर स्मार्टफोन और आईफोन, क्योंकि भाई जब भी आप अपडेट करते हो ना तो एप्पल क्या करता है जो बग्स होते हैं ना उन्हें फिक्स करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजता रहता है, लेकिन भाई आप उसको अवॉइड करते हैं तो भाई आप उसको अपडेट ही नहीं करते, जिसकी वजह से भाई आपको जो एक्सपीरियंस मिलना होता है अपने आईफोन से वो नहीं मिल पाता अच्छी तरीके से और भाई बैटरी में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है अगर आप अपडेट नहीं करते तो भाई मेक श्योर कि आपने अपने आईफोन को अपडेट कराओ। नंबर 7, ऑलवेज यूज MFI सर्टिफाइड वायर जो होते हैं आईफोन या कोई से भी फोन के, उसके जो वायर होते हैं अडेप्टर MFI सर्टिफाइड वायर और अडेप्टर ही यूज करना, नहीं तो भाई लोकल ले लोगे तो भाई उससे फुल तो हो जाएगा लेकिन भाई आपकी बैटरी पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तो भाई MFI सर्टिफाइड वायर ले लेना, कभी भी कोई चीप क्वालिटी का वायर मत खरीदना। नंबर 8, भाई जब इमरजेंसी हो ना तो तभी ही पावर बैंक यूज करा करो अपने आईफोन या सैमसंग के लिए, क्योंकि भाई जो पावर बैंक होता है आपने काफी सुना होगा कि भाई पावर बैंक यूज मत करो कि भाई उससे बैटरी हेल्थ पर काफी प्रॉब्लम आती है। हाँ भाई सच सुना आपने, बैटरी हेल्थ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है भाई अगर आप पावर बैंक यूज करते हो। भाई पावर बैंक के बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हो तो कॉमेंट करके जल्दी से बता देना। नंबर 9, भाई जब भी आप अपने आईफोन को चार्ज करो तो भाई मेक श्योर करना कि भाई आईफोन 13, 14, 12 में क्या होता है जो भाई आपको अडेप्टर देखने को मिलता है ना वो काफी हाई पावर तने का होता है, काफी ज्यादा वॉट का होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना काफी ज्यादा हीट आपका फोन जनरेट करता है, तो भाई मेक श्योर करना कि बैक कवर को निकाल के ही चार्ज करना और अगर हो सके तो एरोप्लेन मोड लगा दो उसके बाद चार्ज कर लो, क्योंकि भाई आधे घंटे में चार्ज हो जाता है और भाई काफी जल्दी भी हो जाता है अगर पावर अडेप्टर है तो आपके पास। मेक श्योर करो भाई बैक कवर को हटा लो। हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 10, भाई मेक श्योर करना जब भी आप अपने आईफोन का कवर उतारो तो उसे टेबल के ऊपर किसी हार्ड सरफेस पर ही रखना, ऐसे सॉफ्ट एरिया पर मत रखना, नहीं तो और भी ज्यादा हीट होने की वजह से आपकी बैटरी डैमेज होगी और भाई साथ में 25% से ज्यादा पर आपको चार्ज करना है, हमेशा याद रखना 25 to 80। बस गाइस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे ऐसी नई किसी वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।